बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी बीए फर्स्ट ईयर का लेसन लेके आए हैं। पर्यावरण भूगोल का पहला चैप्टर है, पहली यूनिट का पहला चैप्टर है डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। लेखक द्वय के अनुसार पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पर्यावरण भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न संगठकों की प्रकृति, कार्य तथा उनकी परस्पर अंतर्निर्भरता आदि का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं, लेखक ने क्या बताया है कि जो पर्यावरण भूगोल है ये वह शाखा है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र है ना, किस प्रकार से कौन किस प्रकार से परिस्थिति बैठती है और उनसे जो हमारे यहाँ पे N2, CO2, O2 जो गैसेज है उनका किस तरीके से क्रम चलता है, किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहती है जीवों में, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। तो विभिन्न संगठकों की प्रकृति, कार्य, उनकी परस्पर अंतर्निर्भरता आदि का स्थानीय वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया गया है, जैसे पारिस्थितिक प्रणाली इकोलॉजिकल सिस्टम, इसमें मानव पर्यावरण के पारस्परिक प्रभावों के अध्ययन के साथ ही मानव द्वारा अपनाए अनुकूलन तथा रूपांतरण का भी अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी बातें हैं इसमें कि मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक प्रभाव, कि मानव और पर्यावरण के बीच पर्यावरण का मानव पर और मानव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही मानव द्वारा अपनाए गए अनुकूलन और रूपांतरण का भी अध्ययन किया जाता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मानव ने प्रकृति से सीधी सीधी अपना ली है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर पंखे, कूलर या एसी का प्रयोग करना, या कहीं पर नदियों के बहाव को रोकते हुए वहाँ बांध और पुलों का निर्माण कर देना। तो कुछ चेंजेस जो मानव द्वारा किए गए हैं और कुछ है जो वैसे के वैसे ही अपना लिए गए हैं, तो इन सब का अध्ययन पारिस्थितिक प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिक विश्लेषण में इकोलॉजिकल एनालिसिस में जो बात सामने आती है वो ये है कि इसमें किसी भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण के तत्वों और मनुष्य के मध्य जैविक एवं आर्थिक संबंधों के समाकलित अध्ययन का मूल्यांकन किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें कि भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण के तत्वों और मनुष्य के मध्य जैविक और आर्थिक संबंध, ठीक है, पर्यावरण और मनुष्य के बीच में है ना, जैविक और आर्थिक संबंध, जो जीव प्रकार से किस प्रकार से क्रिया करते हैं और किस तरह से अपना वो आगे उसका उसका जैसे कृषि की उपज प्राप्त की, तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो अपने आप कृषि हो जाती है, कहीं पे कहीं बीज वगैरह गिर जाते हैं, ऑटोमेटिक से पानी वगैरह की मात्रा मिल जाती है जिससे कहीं पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मानव थोड़ा मेहनत करके एक एक फील्ड के अंदर एक मिट्टी वाली प्रकार की मिट्टी के अंदर अच्छा सा केमिकल वगैरह खाद सब बीज सब कुछ डाल के पौधा रोपण करता है और फिर कुछ महीनों बाद उसकी फसल का प्राप्ति उसे हो जाती है। तो वो किस तरह से ऐसे कर रहा है, कौन से भौगोलिक पर्यावरण में कर रहा है, ये किस तरह से प्राप्त कर रहा है, तो इनके बीच में आपसी संबंध की और टेम्परेचर का उपयोग कब कर रहा है, नेचुरल जो टेम्परेचर है उसका किस प्रकार से अपने पेड़ पौधों के लिए जैविक चीज़ों के लिए उपयोग कर रहा है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। स्थानिक प्रणाली स्पेटियल सिस्टम, एक प्रदेश का पर्यावरण दूसरे प्रदेश के भूगोल से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित करता है क्योंकि विभिन्न परस्पर स्थानिक संबंध रखते हैं। एक प्रदेश का पर्यावरण दूसरे प्रदेश के भूगोल से प्रभावित होता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कहीं हमारे पास में हमारे से 70 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर कहीं पर यदि बारिश का वातावरण बन रहा हो और वहाँ ठंडी हवाएं चल रही हो तो हम जिस जगह 70 या 80 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी हमें इस बात का एहसास हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ की जो हवाएं हैं वो भी नम हो जाती है, जिससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे पास में जो भी भौगोलिक प्रदेश है उस वहाँ पर या हवाएं नम चल रही है, इसका मतलब वहाँ पर बारिश हुई है जिसकी वजह से यहाँ की वातावरण नमीयुक्त हो गया है, इसलिए एक दूसरे संबंध रखते हैं, एक दूसरे से प्रभावित
होते हैं स्थानिक विश्लेषण, स्पेटियल एनालिसिस। स्थानिक विश्लेषण के द्वारा किसी भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण की अवस्थिति भिन्नताओं को समझा जा सकता है कि हम कब किसी स्थान का विश्लेषण करते हैं कि वहाँ पर क्या है, कितने टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है और किस तरह के कि वहाँ पे स्थितियाँ मौजूद है। तो सारी बातों का जब अध्ययन किया जाता है पर्यावरण के उसमें, तो उसकी भिन्नताएं भी समझी जा सकती है कि यदि इस तरह का ताप दाब है तो वहाँ पे क्या उपस्थित होगा और क्या नहीं होगा। अगला है प्रादेशिक सम्मिश्र विश्लेषण, रीजनल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके द्वारा किसी पर्यावरण की क्षेत्रीय भिन्नताओं की प्रादेशिक इकाइयों के पारिस्थितिक विश्लेषण और स्थानिक विश्लेषण दोनों का सम्मिश्र अध्ययन होता है। किसी पर्यावरण की क्षेत्रीय विभिन्नताओं की प्रादेशिक इकाइयों में, ठीक है ना, क्षेत्रीय विभिन्नता जैसे हम क्षेत्रीय विभिन्नता होती है कि जैसे एक क्षेत्र ले लिया जाए कि वहाँ का बोली अलग है या वहाँ का रहन सहन पहनावा अलग है या वहाँ के उस टेम्परेचर के अनुरूप या किसी और कारण से ये सब चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन फिर भी हम उसको पड़ोस के किसी माध्यम से लेकर उनको इन बातों को समझ सकते हैं कि उनके में क्या पारिस्थितिक रिलेशन है आपस में और क्या स्थानिक विश्लेषण के विश्लेषण करके हम उसमें देख सकते हैं, और दोनों का सम्मिश्र अध्ययन भी किया जा सकता है। जैसे हमारे पास के डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है तो वहाँ किस तरह का क्षेत्र है या हमारे यहाँ किस तरह का क्षेत्र है, या हम हमारे पास के स्टेट से ले सकते हैं, स्टेट में पास वाले स्टेट में कैसा होता है और हमारे यहाँ कैसा होता है, तो इन बातों को लेते हुए दोनों का सम्मिश्र अध्ययन किया जा सकता है। जीवमंडल का अध्ययन, स्टडी ऑफ बायोस्फीयर। वर्तमान समय में जीवमंडलीय वृहत पारिस्थितिक तंत्र का पर्यावरण के अभिन्न घटक के समूह के रूप में अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में क्या होता है, जीवमंडलीय वृहत पारिस्थितिक तंत्र, तो जीवमंडलीय जो है जहाँ जीव उपस्थित रहते हैं जैसे पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु वगैरह सब उपस्थित रहता है, जो इसका वृहत पारिस्थितिक तंत्र है, बहुत बड़ा जो एक तंत्र है सिस्टम है उसका पर्यावरण के अभिन्न घटक के रूप में अध्ययन किया जाता है, किसमें, जीवमंडल का अध्ययन, स्टडी ऑफ बायोस्फीयर में। अगला है प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर डिजास्टर। इसमें क्या होता है नेचर डिजास्टर, तो नेचर डिजास्टर जो है जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, ये सब पे इंसान का बस नहीं होता है, वो इसको रोक भी नहीं सकता है। यदि कहीं पर ज्वालामुखी भूकंप की क्रिया हो रही तो इंसान सिर्फ उसका मापन कर सकता है, उसे सुरक्षित रहने के तरीके ढूंढ सकता है लेकिन उसे आने से रोक नहीं सकता है। तो इन सबका अध्ययन, प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अगला है पर्यावरण के मानवकृत परिवर्तनों की भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक भौगोलिक विकास ऑफ साइंटिफिक जियोग्राफिक फोरकास्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट को भी महत्व मिला है। कौन कौन सी चीज़ें का कि पर्यावरण में मानवकृत परिवर्तनों की भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक विकास को भी महत्व मिला है, क्योंकि पर्यावरण मानवगत परिवर्तन, पर्यावरण तो अपने अनुकूल है, जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी है और सर्दी के मौसम में सर्दी है, या पेड़ पौधे हैं जो किस प्रकार से टेम्परेचर पर डिपेंड है या वाष्पीकरण की क्रिया पर डिपेंड है, या मानव किस प्रकार से ऑक्सीजन पर डिपेंड है या CO2 की किस प्रकार से यूज करता है, किस प्रकार से निकालता है, आदि सारी क्रियाएँ जो सब कुछ होती है, ये जो हो रहा है पर्यावरण के मानवगत परिवर्तनों की भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक विकास को भी महत्व मिला है। तो इसमें क्या है कि जो नेचुरल जो सब कुछ तो हो ही रहा है उसके साथ ही मनुष्य ने इतनी क्षमता प्राप्त कर ली है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इसका भी अनुमान पहले लगा दिया जाता है। एक साधारण से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ कि कहीं ऐसा होता है कि कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले 3 दिनों में भारी वर्षा की संभावना है। हम TV पे, न्यूज़पेपर में या कहीं अनाउंसमेंट के माध्यम से इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब तो व्यक्तियों को सावधान कर दिया जाता है कि यहाँ भारी बारिश होगी, आप लोग पहले से ही सावधान होके रहें। तो ये कैसे किया जाता है कि मानव ने जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इन सबको की घोषणा की जाती है। पर्यावरण भूगोल का विशेष क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी।
मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का पर्यावरणीय संकल्पनाओं के संदर्भ में अध्ययन करना। इसके अंतर्गत पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, उसका विशेष क्षेत्र, पर्यावरण की परिभाषा, तत्व, संगठन, प्रक्रमों तथा प्रकार, भूगोल के साथ पर्यावरण अध्ययन, मानव एवं प्राकृतिक वातावरण, भूगोल तथा पारिस्थितिकी एवं समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरा बिंदु है इसमें पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण का अध्ययन करना। इसके अंतर्गत पर्यावरण अवनयन के भौतिक एवं मानवीय कारक, विभिन्न पर्यावरण प्रदूषणों, उनके स्रोत तथा निवारण का अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति, प्रकार, संगठन और उसके मध्य अंतर संबंधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु एवं पादपों की उत्पत्ति तथा उनके वितरण का अध्ययन करना। इसके अंतर्गत पौधों, जंतुओं के उद्भवन, विसरण, विलोपन तथा स्थानिक वितरण का अध्ययन करते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन करना। इसके अंतर्गत संसाधनों के अर्थ, वर्गीकरण, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, संरक्षण, परिरक्षण को महत्व दिया जाता है। छठा पॉइंट है पर्यावरणीय अवबोध एवं चेतना का अध्ययन करना। और सातवां पर्यावरण गुणवत्ता एवं प्रभाव आकलन का अध्ययन करना। पर्यावरण भूगोल की संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। सभी जीव जंतु विभिन्न रूपों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हैं, सबका पर्यावरण का उस पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और उसमें वो उसका जो प्रभाव पड़ता है तो उसके अनुसार ही वो पर्यावरण के अनुकूल ही जीव जंतु या पेड़ पौधे जो जीव है वो वैसे हो जाते हैं। दूसरा है सभी जीवों में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति समायोजन करने की न्यूनाधिक क्षमता पाई जाती है। सभी जीवों में क्षमता होती है। यदि भारत में हम देखे जाए तो इतने प्रकार के मौसम बनते हैं कि यहाँ के लोग सर्दी में अपने सर्दी का मौसम आते ही अपने आप टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि 19 का यूज़ शुरू कर देते हैं और बारिश आते से हल्के कॉटन के वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं। तो पर्यावरण में परिवर्तन तो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ समायोजन की क्षमता भी उनमें आ जाती है। सभी जीव अपने पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि पर्यावरण में जब भी परिवर्तन होता है उसके प्रति वो सभी पे इसका प्रभाव दिखाई देता है। पर्यावरण की प्रादेशिक स्थिति से उसके जैविक घटक भी प्रभावित होते हैं। जो प्रादेशिक स्थिति है जैसे पर्वत पठार, मैदान, ये सब तो भौगोलिक स्थिति है और वह उसके प्रदेश की जो विशेष स्थिति है, जो प्रभाव है उसका कि यदि कहीं पर पर्वत आ रहा है तो फिर वहाँ पे हवाएं रुक जाती है या उनकी वजह से हवाएं का प्रेशर एक ही साइड पे हो पाता है तो वहीं बारिश हो जाती है। तो वहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाएगी या कहीं पे बारिश नहीं पहुँच पा रही है तो वह रेती रेत का मैदान होगा या वनस्पति बहुत कम मात्रा में होगी। सभी जीव अपने पर्यावरण से तथा परस्पर सनियोजित तरीके से संयोजित होते हैं। तो पर्यावरण से लोग इतने प्रभावित होते हैं, जीव जंतु वगैरह सभी, कि वो एक नियोजित तरीके से उसमें संयोजित होना सीख जाते हैं। पर्यावरण विभिन्न भौतिक एवं जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह है। पर्यावरण जो है भौतिक और जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह है कि ये बिल्कुल एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं कि जैसे भौगोलिक स्थिति होगी, जैसा टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और जो मिट्टी का जो स्तर है वो कैसा होगा, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कैसी होगी, पर्वत पठार मैदान और नदियों की जो स्थिति है वो कैसी होगी, उस पर क्या होता है, उस जीव भी उसी के अनुसार वहाँ पे होते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक दूसरे का अविभाज्य समूह है। पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत एवं अदृश्य दोनों प्रकार का होता है। कहीं तो हमें दिखाई देता है, कहीं हम बिल्कुल दिखाई, जैसे हमारे यहाँ बहुत तेज हवा चलेगी तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है लेकिन हम वो हवा को देख नहीं पाते हैं। तो ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। टेम्परेचर को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर कोई किरण को, सूर्य की किरणों को आने के हम रोक नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि हमारे ऊपर प्रभाव तो उसका पर्यावरण का पूरी तरह से पड़ सकता है लेकिन उसका जैसे पर्यावरण स्वयं नियंत्रण स्वपोषित निर्भर है। तो पर्यावरण स्वयं नियंत्रण है कि पर्यावरण किस प्रकार से, एटमॉस्फेयर कैसा बना हुआ है, उसके उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है या उससे निपटने के और क्या क्या साधन हो सकते हैं, या उसे जैसे
हमेशा देखना कि यदि पतझड़ के मौसम के बाद जब बसंत आता है तो सारा मौसम अच्छा हो जाता है और सारे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो पर्यावरण स्वयं नियंत्रण भी है। पर्यावरण में स्थानिक विविधता पाई जाती है। पर्यावरण में देखना कि एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक की जो पाई जाती है उसमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य मिलता है। जैसे राजस्थान में क्या है, पर किस तरीके से गुजरात में क्या है, आसाम में क्या है, बंगाल में क्या है, सब जगह अलग अलग पाई जाती है। वहाँ की वर्षा, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर, वहाँ के पर्वत पठार, मैदान, सब में अलग अलग विविधता पाई जाती है। पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। पार्थिव एकता यानी कि फिर भी पूरा सिस्टम मिलके एक ऐसा वो एक एकता का पार्थिव एकता का एक सिस्टम बनाता है कि पूरा टेम्परेचर वगैरह सब कुछ ही कंट्रोल रहता है और वो जिससे जिससे मनुष्य को सीधा नुकसान न पहुंचे और उसकी उसकी भी सुरक्षित हो जाए और जो है मनुष्य और वातावरण के बीच में एक तालमेल बना रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।